वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, NRHM की तरफ से जो है नर्स की भर्ती आ चुकी है। 30 अलग अलग तरह की यहां पे पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें NM, GNM, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीसियन, इसके अलावा विभिन्न पदों पर जो है अलग अलग भर्ती निकाली गई है। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। टोटल 106 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, जिसे आप लोग 22 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। A to Z पूरी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए और जल्दी से जो है जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, हम आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है, जिसे आप लोग 22/12/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। और यह भर्ती जो है NRHM के अंतर्गत जो है निकाली गई है, जिसमें हम आपको बता दें तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता NM के लिए 23 वैकेंसी रखी गई है, 9,900 रुपये सैलरी मिलने वाली है। स्टाफ नर्स के लिए 6 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें 14,300 रुपये सैलरी मिलने वाली है। फार्मासिस्ट के लिए 17 वैकेंसी है, जिसमें 10,450 रुपये सैलरी मिलने वाली है। BDM के लिए 2 वैकेंसी है, 8,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। CA के लिए 1 वैकेंसी है, और यहाँ पे काउंसलर के लिए 1 वैकेंसी। आयुष फार्मासिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, इसमें आयुर्वेदिक कंपाउंडर, जिसमें 3 तरह की होगी, एक होगी आयुर्वेदिक कंपाउंडर, यूनानी कंपाउंडर, होम्योपैथिक कंपाउंडर, ये सब जो हैं आयुष फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 रुपये यहाँ पे इनको सैलरी मिलने वाली है। ये यहाँ पे देखिए, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, जिसमें ITI वाले अप्लाई करेंगे, 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे काउंसलर के लिए 1 वैकेंसी, NM RBS के अंतर्गत 1 वैकेंसी, फार्मासिस्ट RBS के अंतर्गत 10 वैकेंसी रखी गई है, 10,450 रुपये सैलरी मिलने वाली है। स्टाफ नर्स के लिए SENCU के अंतर्गत 3 वैकेंसी, स्टाफ नर्स NBSU के अंतर्गत 1 वैकेंसी ST के लिए। और यहाँ पे काउंसलर FP RMNCH के अंतर्गत जो है 5 वैकेंसी, ANM NUHM के अंतर्गत 1 वैकेंसी, और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 वैकेंसी। आगे देखें तो GNM के लिए जो है, यहाँ पे देखिए GNM डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक के लिए 2 वैकेंसी, लैब टेक्नीसियन डिस्ट्रिक्ट NCD के अंतर्गत 1 वैकेंसी, काउंसलर डिस्ट्रिक्ट NCD के अंतर्गत 1 वैकेंसी, GNM के लिए 3 वैकेंसी, लैब टेक्नीसियन के लिए 3 वैकेंसी। और आर्ट्स काउंसलर, बहुत सारे यहाँ पे जो है अलग अलग पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें देखिए DDS फार्मासिस्ट की है, SDS फार्मासिस्ट की है, HDS स्टोर असिस्टेंट की है। तो 30 अलग अलग जो है यहाँ पे पोस्टों पे भर्ती निकाली गई है। सैलरी यहाँ पे जो है काफ़ी कम रखी गई है, और मैं आपको बता दूँ, यह भर्ती जो है संविदा पर होने वाली है। जी हाँ, यह भर्ती जो है संविदा पर होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे तो यह भर्ती जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन झारखंड रांची के पत्र संख्या 61MD के अंतर्गत जो है निकाली गई है। तो यह भर्ती जो है NRHM करने वाली है, और यह भर्ती जो है संविदा पर होने वाली है, जिससे आप लोग जो है 22 दिसंबर 2020 तक शाम को 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से जो है फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है इसकी भी जानकारी देंगे। झारखंड डिस्ट्रिक्ट दुमका से जो है यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें विज्ञापन संख्या 01/2020 दिया गया है। और अब हम बात करते हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या है क्वालिफिकेशन। तो NM के लिए जो है इंटरमीडिएट के साथ अगर आपने जो है NM कर रखा है, और झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद से आपका जो है रजिस्ट्रेशन है या मान्यता है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग झारखंड के रहने वाले हो और आपने जो है NM कर रखा है, तो यहाँ पे जो है 23 वैकेंसी है नंबर 1 पोस्ट पद कोड के लिए, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9,900 रुपये सैलरी मिलने वाली है। स्टाफ नर्स की बात की जाए तो 6 वैकेंसी है, इसमें 10+2 के साथ जो है अगर आपने GNM कर रखा है और झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं। BDM के लिए जो है ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आयुष फार्मासिस्ट के लिए आयुर्वेद वाले अप्लाई करेंगे, तीन कैटेगरी हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक। तो ये तीनों लोगों में अगर डिप्लोमा कर रखे हैं तो अप्लाई करेंगे। स्टाफ नर्स में देखिए जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी वैकेंसी स्टाफ नर्स की है, स्टाफ नर्स में जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बोल दूँ, ठीक है, बाद में आप लोग बोलोगे कि नहीं एक्सपीरियंस चाहिए, 10+2 और इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर्स ऑफ जीएनएम एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल का। अब इसमें बोलो कहाँ दिया गया है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। तो बिना एक्सपीरियंस वाले जो हैं, फ्रेशर वाले जो हैं अप्लाई करेंगे, और एक्सपीरियंस नहीं है तो बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। तो देखिए इसमें बीएससी नर्सिंग अप्लाई नहीं कर सकती हैं, जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, और एएनएम करने वाले जो हैं एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डी फार्मा करने वाले जो हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और ये मेन वैकेंसी थी, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहोगे तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको बता दूं ये संविदा पर भर्ती निकाली गई है, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी 1/12/2020 को की जाएगी, जिसमें सामान्य के लिए 21 ईयर्स रखी गई है, अधिकतम 35 ईयर्स रखी गई है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, और महिला पुरुष जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आ रहे हैं तो 40 ईयर्स रखी गई है, महिला समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, दिव्यांग के लिए अलग से यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखी गई है। दोस्तों हम आपको बता दें तो आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये, इसके अलावा 200 रुपये आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। कहाँ से? तो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति दुमका, यहाँ से जो है आपको 400 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा जनरल और ओबीसी के लिए, इसके अलावा जो है 200 रुपये का बनवाना पड़ेगा या SC ST के लिए। तो ये जो है आपको डीडी बनवाना पड़ेगा, और नीचे फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, और फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दुमका झारखंड, यहाँ पे जो है आप लोगों को स्पीड पोस्ट कर देना है डीडी के साथ, जो आपका 400 रुपये का डीडी बनने वाला है 200 का, इसको जो है आप लोगों को अटैच करके इस फॉर्म को जो है आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस दिया गया है अप्लाई कर देना है 22 दिसंबर 2020 से पहले। तो झारखंड के रहने वाले हो तो इस फॉर्म को जो है ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बट यहाँ पर जो है सैलरी काफ़ी कम है, तो आपका जो है यहाँ पर चांस ज़्यादा है सलेक्शन होने का। फॉर्म को जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।